हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और पावर पॉइंट की इस क्लास में आज हम लोग जानने वाले हैं होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप के बारे में और ड्राइविंग ग्रुप के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे पैराग्राफ ग्रुप आखिर देता है, इसका वर्क क्या होता है। तो जैसे हम लोग कोई भी टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग के दौरान यदि हमको क्या लाना, बुलेट लेकर के आना। क्या लेकर के आना है? बुलेट। जैसे आप लोग देखे होंगे किसी अगर संस्था का और आप लोग प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो वहां पे लिखा गया होता है आवर विशेषताएं, यानी कि हमारी विशेषताएं क्या है। आया समझे ना? उसके एक अलग अलग आपको टॉपिक ऐड करके दिखाया गया हो कि फुल एसी, फुल वाईफाई, ऐसे सारा होता है ना जो भी कैंपस होता है। वैसे यदि आप कुछ कंटेंट टाइप कर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, कुछ उसके सामने बुलेट लगाना होता है ना। जैसे हम उदाहरण के तौर पर ये कहें आपको एक बुलेट ले, जो भी कई सारा बुलेट दिया है लेना है, ले लिए एक बुलेट और यहाँ टाइप कर लिया जैसे ए, फिर नीचे कर दिए बी, उसके बाद कर दिए सी और उसके बाद से डी। तो यदि आप देखेंगे तो एक एक बुलेट सबके सामने लगता है, दिख रहा है ना। जहां नहीं लिखे हैं वहां भी बुलेट हाईलाइट नहीं है, दिख रहा है? यहाँ नहीं लिखे तो हाईलाइट है, लेकिन जैसे हम यहाँ लिख दे रहे हैं हाईलाइट हो रहा है ना। और इसके अंदर आपको बुलेट नहीं लगाना तो फिर क्या करना है, एक बार और एंटर बटन दबा दें, हो जाएगा ना। यानी कि जहां तक आपको लगाना है वहां तक लगाइए और जहां से नहीं लगाना वहां क्या कर लीजिए, हो जाएगा। तो ये क्या है, बुलेट है। यदि आप कोई भी टॉपिक ऐड कर रहे हैं और उस टॉपिक में यदि आप चाहते हैं कि बुलेट अलग अलग डिजाइन लगा सकें, जैसे आप बुलेट लगाना चाहते हैं वैसे यहाँ से लगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। और बुलेट लगाने के बाद से आपको यहाँ पे नंबरिंग दिखाई दे, यदि आप बुलेट नहीं नंबर लगाना चाहते हैं तो यहाँ से नंबर लगा, दिख रहा है सबको ना। जो भी नंबरिंग आपको करनी वो नंबरिंग आप यहाँ से कर। जैसे हम यहाँ पे क्या किए, एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिए, क्या ले लिए, टेक्स्ट, और इसमें हम टाइप कर लिए इनपुट डिवाइस। क्या टाइप कर लिए, इनपुट डिवाइस, और इनपुट डिवाइसेस से लिखने वाले इसका साइज क्या कर दी, सब बड़ा कर दिया और बोल्ड कर दिया। ये आपका क्या हो गया, मेन हेडिंग, दिख रहा सबको ना। अब इनपुट डिवाइसेस के नाम लिखना है, आप पुनः जाइए इंसर्ट में, एक टेक्स्ट बॉक्स ले लीजिए और यहाँ क्या कर लेंगे, ड्रा कर। अब आप लिखिए, पहले बुलेट ही लगा लीजिए, जो बुलेट आपको चाहिए आपने पहले लिखना यहाँ पे क्या, कीबोर्ड, कीबोर्ड पास क्या लिख लिए, माउस, माउस के बाद से माइक्रो, माइक्रोफोन के बाद से ओसीआर, ओसीआर का फुल फॉर्म क्या होगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर। अब ऐसे आपको जो भी लिखना है वैसे आप क्या करते गए, लिख, हो जाएगा ना। और जहां से नहीं लगाना वहां हटा दीजिए, कोई दिक्कत इसमें। तो ऐसे क्या आपका एक कंटेंट, एक टॉपिक बन के तैयार हो जा रहा है, हो जाएगा ना। और कहीं भी आपको अगर प्रेजेंट करना है तो बस आप क्या करिए, कीबोर्ड से या फाइव बटन दबा दें तो क्या प्रेजेंट हुआ है, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। तो ऐसे यदि आपको कहीं कंटेंट देना हो, अच्छा यदि नंबर के लिए कह रहा तब क्या करेंगे, नंबर के लिए कह रहा हो तो यहाँ से हम क्या सेलेक्ट कर लेंगे, नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। और नंबर के पास जब आप जाएंगे तो आपको दिखाई देगा इंडेंट, क्या दिखाई देगा, इंडेंट। तो इंडेंट क्या है, आप लोग पढ़े होंगे ना, इंडेंट डिक्रीज और उसके बाद से इंक्रीज। यदि आप ये पैराग्राफ यहाँ से रखना चाहते हैं यहाँ से रखिए, और यदि यहाँ से रखना चाहते हैं तो फिर यहाँ। लेकिन एक चीज देखिएगा, यदि आप इसमें टाइप कर दिए और इसको आप मेन हेडिंग बनाना चाहते हैं ना, तो सेलेक्ट करके यदि आप इंक्रीज करें तो अपने आप ये नंबर वन हेडिंग हो जाएगा और इसके अंदर के सारे हेडिंग हो जाए, दिख रहा है ना। यानी कि आपका कीबोर्ड हेडिंग हो गया और अंदर माउस, माइक्रोफोन, ओसीआर, एमआईसी, दिख रहा है ये कितने नंबर से स्टार्ट हुआ है, पहले नंबर, कोई दिक्कत इसमें। ये कहाँ से हो रहा है सर, इंडेंट। अच्छा इसको सेलेक्ट करके डिक्रीज कर दे तो अब क्या हो गया, 1 2 3 4 5, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। और इसके वजह से आपको दिखाई देगा यहाँ पे पैराग्राफ स्पेसिंग का, स्पेस यदि आप ज्यादा चाहते हैं ज्यादा ले लीजिए स्पेस, दिख रहा है ना। अच्छा चलिए, यदि हम स्पेस ज्यादा ले लिए
और अब यदि F5 बटन दबा दिए तो अब आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, दूर दूर दिख रहा है ना। और यदि इसी को हम सेलेक्ट किए और सेलेक्ट करके स्पेस को क्या कर लिए, बंद कर, और अब यदि F5 बटन दबा दिए कुछ अंतर दिख रहा है, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, इसके बाद जैसे हम आगे जाएं तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या आपको पता है ना कि लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर, फिर राइट और जस्टिफाई। तो जस्टिफाई करें फिर दोनों तरफ से क्या होगा, बराबर हो, और राइट करें किधर रहेगा, राइट साइड, और यदि सेंटर करेंगे तो, और लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट। और ये मार्क के लिए दिया, यदि आप लेफ्ट या राइट करना चाहते डायरेक्टली आप यहीं से। अब देखिए लेफ्ट का सारा किधर चला जाए, राइट में, और राइट का सारा लेफ्ट। यदि हम यहाँ पे क्लिक करें तो हमारा वन हेडिंग कहाँ पर है, ये वन नंबर लेफ्ट साइड में है ना, और यदि हम यहाँ से लेफ्ट कर रहे हैं तो क्या ये इधर चला जा रहा है, नहीं जा रहा है ना, लेकिन यदि हम यहाँ से कर दिए तो दिख रहा है आपको बराबर। कोई प्रॉब्लम इसमें हो जाएगा सबका जी? यदि आपको ऐसे कहा जाए, चलिए थोड़ा सा हम वापस आते हैं, जैसे हमारा नॉर्मल ऐसे ही था ना, तो अब आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको सारा कंटेंट जो है वो राइट साइड में रखना है, और राइट साइड में रखने के बाद से आपको क्या करना है, उसका जो आपने नंबरिंग किया है ना, वो नंबरिंग भी आपका राइट साइड में होना चाहिए, उस कंटेंट के लेफ्ट साइड में नहीं हो। तो यदि आप वहां से राइट बटन का इस्तेमाल करते हैं राइट अलाइनमेंट का, तो क्या आपका जो नंबरिंग है वो राइट साइड में आया है, कंटेंट के किधर है, लेफ्ट साइड में ही है ना, लेकिन कंटेंट के लेफ्ट साइड में नहीं गया है ना, तो चेंज करना है तो आप चेंज क्या कर लेंगे, चेंज कर, अब ले क्या जाइए राइट साइड में, हो जाएगा। किधर कंप्यूटर किधर कंप्यूटर कौन सा, यही कह रहे हैं? नहीं, एक ही तरफ कहीं, यानी आपके कहने का मतलब दोनों तरफ चाहिए, इधर भी और इधर, ऐसा नहीं है दोनों तरफ में किसी एक तरफ ही लगाए, आ रहा समझे ना? अगर जब आप यहाँ से कर देते हैं और ये करने से यदि आप राइट करें तो आपका इधर ही दिखाएगा, और यदि इधर कर लेते हैं तो आपका इधर ही दिखाएगा, आ रहा समझे ना? अब उसका जब आगे जाए तो आपको दिखाई दे यहाँ पे किसका कॉलम, तो कॉलम आप लोग पढ़ी है ना MS Word में, हमने आपको बताया था पेज लेआउट, कि यदि आप कोई कंटेंट लिख रहे हैं, जैसे आप लोग विद्या क्वेश्चन देखे होंगे ना, विद्या क्वेश्चन में क्या था, चलिए टेक्स्ट बॉक्स लेके यहाँ पे टाइप, इक्वल रैंड ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे टाइप किए पैराग्राफ ब्रैकेट क्लोज, और तो सारा पैराग्राफ देखिए कितने कॉलम में आया है, एक ही कॉलम में आया है ना। जैसे आप लोग विद्या क्वेश्चन पढ़े होंगे उसमें अगर जो एक पेज है तो उसपे आधा इधर दिया होता और आधा इधर दिया होता, बीच में कुछ आपका मार्जिन, यानी कितने कॉलम में बटा होता है वो, तो यदि वैसे आपको दो कॉलम या तीन कॉलम में करना है ना, तो आप उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, कॉलम, ठीक है सबको, कितने कॉलम हुआ है, और यदि यहाँ से तीन कर दें तो देखिए यहाँ से इधर एक, फिर यहाँ से इधर एक, और फिर यहाँ से इधर, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, इसके बाद से आपने जो ऊपर ये टाइप किया है ना इनपुट डिवाइस हेडिंग, इसका टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज करना है, क्या करना है, टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज करना है, यानी कि आप चाहते हैं कि ये नीचे तरफ लिखा हुआ है या ऐसे लिखा हुआ है या ऊपर तरफ लिखा हुआ है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहीं पे दिखाई देगा क्या टेक्स्ट डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल है ना, रोटेट आर 90 डिग्री को, कुछ रिव्यू दिखाई दिया आपको, दिख रहा है सबको, फिर भी समझ आ रहा है ना, कि जैसे यदि आप यहाँ से रोटेट करेंगे वैसे आपका रोटेशन यहाँ से चेंज होगा, अब दिख रहा है क्या अच्छा हुआ? कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ आप लोग टेक्स्ट देखे होंगे, जैसे अगर जो हम कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं और उस प्रेजेंटेशन में कहीं हमको ऐसे टेक्स्ट लिखना पड़ गया, आ रहा समझे ना, कहीं सर आप लोग पोस्टर और बैनर पे देखे होंगे, जैसे जो पोस्टर बनता है और जो बनाया होता है वो अपना नाम लिखना चाहता है, वो क्या करता है, टेक्स्ट को रोटेट कराता है ना, टेक्स्ट को क्या करता है, रोटेट,
जैसे एक उदाहरण आपको दें, चलिए ये जैसे नॉर्मल था वैसे कर, पहले ऐसे ही था ना, तो समझिए आपने सारा कंटेंट बना लिया और इंसर्ट में जाके एक शेप ले लिए और शेप से इसका आपने बॉर्डर लगा, शेप फिल को क्या कर दें यहां से नो फिल कर, एक बॉर्डर आपको दिख रहा है ना, तो बॉर्डर के बाहर आपको यहाँ पे जैसे जो भी प्रिंटर होते हैं सब प्रिंटर प्रेस वाले वो अपना नाम लिखते हैं सब ना, तो वैसे यदि आपको नाम लिखना है कि नहीं हम प्रेजेंट करा तो मेरा नाम लिखा हुआ आना चाहिए, तो आप टेक्स्ट बॉक्स लीजिए, क्या कर लेंगे यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स लिखने के बाद अपना नाम लिख लीजिए, जैसे हम यहाँ पे टाइप कर लेना क्या गाय, बस ये लिख रहे हैं। अब यही लिखने के बाद हमको क्या करना है, चाहते हैं कि इसको रख सकें इधर, इसके जैसा रोटेट करना होगा ना, आप जाइए टेक्स्ट डायरेक्शन पे और 90 डिग्री कर, हाँ अब ये करने वाले आप रोटेट करा के ला के यहाँ रख, हो जाएगा। और अब ये F5 बटन दबाइए, तो क्या अब आपको यहाँ प्रीव्यू दिख रहा है, दिख रहा है ना, प्लस दूसरा चीज आप चाहते नहीं ये इस साइड नहीं हमको इधर रखना है, तो आपको इधर रोटेट कराना होगा ना, तब तो आप उसके लिए कर दीजिए नीचे वाला टेक्स्ट डायरेक्शन और फिर यहाँ से 90 डिग्री करिए 270 और यहाँ लाके लगा लीजिए, फिर F5 बटन दबा चेक कर लीजिए, दिख रहा है प्रीव्यू आपको, आप लोग अक्सर ज्यादातर बैनर में देखे होंगे होता है ना, और ये नीचे दिया है तो आप नीचे लगा सकते हैं, आपको क्या करना क्या होगा फिर नीचे लगाना है, फिर रोटेट मत करिए हॉरिजेंटल ही रहने दीजिए, तब क्या रखना है हॉरिजेंटल रखिए और हॉरिजेंटल रखने के बाद आपको क्या करना हो नीचे लेकर रख लेना होगा यहाँ, और F5 बटन दबा के चेक कर लीजिए, हो जाएगा। कुछ हाँ कुछ नहीं, जैसे नॉर्मल प्रिंट करते हैं बस कंट्रोल पी दबा दीजिए, नहीं क्या कर नहीं लंबा पेज नहीं आएगा जितना इसका स्लाइड, यदि आप बिल्कुल लंबे पेज पर लेना चाहते हैं ना उसके लिए आपको इसका सेटअप करना हो, आया समझे ना, तो सेटअप के लिए जब आपको आना होगा तो आप लोग MS वर्ड में या एक्सेल में पेज लेआउट कर रहे थे ना, आपको इसमें कहीं पेज लेआउट टैब दिखाई दे रहा है, पेज लेआउट टैब नहीं दिखाई दे रहा है ना, तब आपको आना होगा किसमें डिजाइन में और आपको ये भी दिखाई देगा स्लाइड साइज, और कस्टम स्लाइड में आके आपको यहीं पे टाइप कर लेना कितना हाइट चाहिए और कितना विड्थ चाहिए, हो जाएगा ना, आप इंचेज में ले लीजिए जितना बड़ा आपको लेना है, जैसे 100 इंच लेना है ना 100 इंच कर लीजिए, और यहाँ पे आप कितना रखना चाहते हैं लास्ट में 56 इंच दे रहा है 56 कर लिए, और नीचे आपको कितना करना है उतना नीचे बढ़ा लीजिए, और बढ़ाने वास्ते आपको क्या कर लेना है एंश्योर फिट कर लीजिए, अब जैसे क्लिक करेंगे तो इतना बड़ा आपका पेज यहाँ पर क्रिएट होकर के आया, पेज का साइज अब आपको दिख रहा है, ये स्लाइड का साइज जो भी कंटेंट लिखे थे किस में गया है बड़े साइज में गया है ना, क्या हम लोग इनपुट वाइज बड़ा सा लिखे थे ना, अब कितना बड़ा दिख रहा है, पढ़ पा रहे हैं आप लोग यहाँ पर, क्योंकि साइज क्या हो चुका है काफी बड़ा हो चुका है, टेक्स्ट का साइज बड़ा हुआ है, किसका साइज बड़ा हुआ है स्लाइड का, तो अब पहले जब छोटा हमारा पेज था तो छोटा लिखे थे, जब बड़ा पेज हुआ तो कंटेंट छोटा होगा ना, तो वैसे ही हमारा इनपुट डिवाइस क्या हो चुका है छोटा, हो जाएगा कोई दिक्कत है इसमें, यदि आपको ऐसे कुछ करना है कुछ कंटेंट लिखना है तो आप होम टाइप से यहाँ टेक्स्ट डायरेक्शन को चेंज कर, हो जाएगा। और जब नीचे आए तो आपको दिखाई देगा टॉप मिडिल बॉटम, इसका यूज कहाँ होता है, ठीक है नया हम ले लिए यहाँ पे सेव, कहाँ चले गए इंसर्ट, और इंसर्ट में आने बस क्या ले लिया यहाँ पर सेव, राइट क्लिक किए और यहाँ से क्या कर ले रहे हैं एडिट टेक्स्ट, तो कुछ टेक्स्ट लिखना होगा ना, टेक्स्ट लिख रहे हैं तो कहाँ से लिख रहा है अच्छा बी से लिख रहा है ना, टॉप पे या बॉटम पे करना है तो बस आप होम टैब में आ जाइए और यहीं से आप अपना अलाइनमेंट चेंज, दिख रहा है सबको टॉप पे ले जाए कहाँ जा रहा है टेक्स्ट हमारा टॉप, तो कई लोग ये कह रहे हो नहीं हमको यहाँ से करना होता क्या करें, तो उसके लिए तो आप अलाइनमेंट यहाँ से पढ़े हैं ना लेफ्ट सेंटर और राइट, तो जहाँ से करना वहां से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम इसमें तो
होम टैब में यानी कि पैराग्राफ ग्रुप जितना भी दिया है, आप जो पैराग्राफ लिख रहे हैं उस पैराग्राफ में यदि आपको कुछ चेंजिंग करना है तो आप उसके लिए इसका इस्तेमाल कर, हो जाएगा ना। और आगे आपको मिलेगा स्मार्ट आर्ट, क्या मिलेगा स्मार्ट आर्ट। तो स्मार्ट आर्ट क्या है कि जैसे कंट्रोल यम कर, एक नया स्लाइड आ जाएगा इसको हटा दें। हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट बॉक्स ले ले रहे हैं, एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ ले लिए, इसमें हमने लिखा क्या इनपुट, क्या लिख लिए इनपुट के बाद से एक अलग हम ले लिए टेक्स्ट बॉक्स, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स ड्रा किए और इसमें लिख लिए प्रोसेस। और प्रोसेस के बाद से एक और हम क्या कर लें, यहाँ से इंसर्ट में गए टेक्स्ट बॉक्स में आ गए और यहाँ से क्या कर लिए, अगला हमारा क्या हो जाएगा आउटपुट। अब यदि हम इसको चाहते हैं अलग अलग शिफ्ट डिजाइन में आए, उसके लिए क्या करेंगे, सेलेक्ट एक ही किसी को सेलेक्ट कर लेंगे और कहाँ जाएंगे स्मार्ट। तो किस स्मार्ट आर्ट में आपको कन्वर्ट करना है आप उसी में कन्वर्ट कर, इसको किस में करना है सेलेक्ट करिए और इसको भी कर लीजिए प्रोसेस, जो भी रखना है आपको हो जाएगा। फिर अगला सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने से इसका प्रोसेस कुछ अलग चेंज हो जाएगा, बस टेक्स्ट इसका साइज बड़ा कर लीजिए समझ में आ जाएगा। दिख रहा है सबको ना। अब ऐसे क्या कर सकते हैं, अगर जो स्मार्ट आर्ट में आपको कन्वर्ट करना है फिर आप कहाँ से करेंगे स्मार्ट। अच्छा अभी हम लोग यहाँ पे इनपुट प्रोसेस और आउटपुट लिखे थे तो क्या ऐसे अलग स्टाइल वाला शेप लेकर के लिखे थे, स्टाइल शेप लिए थे, बिल्कुल हम क्या किए थे नॉर्मल शेप लिए थे। और शेप लेने के बाद हम क्या किए हैं, चलिए थोड़ा अंडू कर ले इसको, ऐसे लिखे थे हम लोग ना। और लिखने वास्ते हम कहाँ गए हैं सेलेक्ट, सेलेक्ट करने के बाद से स्मार्ट, जिस स्मार्ट आर्ट में चाहिए वैसे आप चेंज कर लीजिए, साइज को क्या कर लीजिए थोड़ा सा बड़ा कर, हो जाएगा। इसको भी सेलेक्ट करिए, स्मार्ट आर्ट में जाइए, जो आपका स्मार्ट आर्ट लेना है वो स्मार्ट आर्ट लेना, जिसमें भी आपको चाहिए इसका भी साइज क्या कर लीजिए यहाँ से बड़ा, इसको भी लेके आ जाइए यहाँ, इसको सेलेक्ट करिए, स्मार्ट आर्ट में जाइए, स्मार्ट आर्ट सेलेक्ट करिए और स्मार्ट आर्ट सेलेक्ट करने से इसका भी साइज यहाँ से क्या कर लीजिए हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें बन जाएगा सबका। तो अभी तक हमने आपको पैराग्राफ ग्रुप में क्या क्या बताया, यदि आप आते हैं होम टैब में आप बुलेट लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं बुलेट लगा सकते हैं, बुलेट लगाने के बाद से आप क्या कर सकते हैं इसमें नंबरिंग कर सकते हैं, इंडेंट अपने हिसाब से लेफ्ट या राइट रख सकते हैं, दो लाइन के बीच में स्पेस कम या ज्यादा कर सकते हैं, अलाइनमेंट चेंज करने के लिए टेक्स्ट डायरेक्शन, और उसके बाद से टेक्स्ट का डायरेक्शन यहाँ से हमने बताया सेंटर टॉप और बॉटम करने के लिए, और ये बताया टेक्स्ट शेप में क्या करने के लिए स्मार्ट आर्ट कन्वर्ट हो जाएगा ना। कोई दिक्कत इसमें, क्लियर सबको। तो पैराग्राफ ग्रुप में कोई ऐसा ऑप्शन जो समझ में नहीं आया हो जाएगा जी। बिल्कुल अच्छा इसके बाद आपको ड्राइविंग का ग्रुप जो दिखाई दे रहा है तो इसमें क्या शेप दे रहा है, तो आप लोग शेप पढ़े हैं ना कि जो शेप से आप क्लिक करें और वो शेप यहाँ से ड्रा कर, हो जाएगा ना। और शेप के बाद से आपका दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्या अरेंज, तो अरेंज आप लोग पढ़े हैं ना सेंड बैकवर्ड विंग फॉरवर्ड, यदि आप दो शेप ले ले रहे हैं इस शेप का कलर करने के लिए, हम शेप का कलर क्या कर लिए इसको पीछे करना है, तो आप अरेंज से क्या कर सकते हैं सेंड टू बैक कर सकते हैं ना, चला गया पीछे और ऊपर लाने आज क्या कर लेंगे बेंग ऊपर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, जो हमने आपको फॉर्मेट टैब से बताया है वो सारा ऑप्शन आप यहीं से कर सकते हैं होम टैब हो जाएगा। क्विक स्टाइल में देखिए, यदि आप डायरेक्टली स्टाइल देना चाहते हैं तो जो स्टाइल लेंगे वैसे चेंज होगा, स्टाइल का मतलब समझिएगा
इसको डिलीट करना है। राइट क्लिक करके क्या करेंगे, एडिट टेक्स्ट, और यहाँ पे कुछ टाइप करना। टाइप करने से भी आपका टेक्स्ट किस कलर में दिखाई दे रहा है, व्हाइट दिखाई दे रहा है ना। अच्छा सेम को यदि हम सिर्फ यहाँ से व्हाइट करें, आपका टेक्स्ट का कलर चेंज हुआ है, नहीं हो रहा है ना। लेकिन यही यदि आप आ जाएंगे स्टाइल में और सेव को यदि आप व्हाइट करते हैं तो आपका टेक्स्ट अपने आप क्या हुआ, ब्लैक हुआ है। ब्लैक लेते हैं तो अपने आप आपका टेक्स्ट का कलर क्या हो जाएगा, व्हाइट। यानी कि जो स्टाइल लेंगे अपने आप ये क्या करता जाएगा, चेंज करता है। कोई दिक्कत इसमें बन जाएगा। और उसके बाद से आपको दिखाई देगा इसमें सेव फील। तो सेव फील करना सबको पता है ना, और ग्रेडियंट कलर करना हो तो, ग्रेडियंट कलर करना हो तो बताया गया है ना। उसके लिए आप एक शेप ले लीजिए यहीं से, और शेप लेने के बाद आपको कहाँ जाना होगा, ग्रेडियंट फील, और ग्रेडियंट के बाद से मोर ग्रेडियंट। जैसे ग्रेडियंट चाहिए वैसे हम ग्रेडियंट ले सकते हैं यहाँ से। तिरंगा बनाना तो फिर क्या करेंगे, तीन रंग ले लेंगे ना। ऊपर कलर कौन सा रहता है, हाँ मोर में आके हम यहाँ सेलेक्ट कर ले रहे हैं। कुछ ऐसे ही रहता है ना। और उसके साथ आपको बीच में क्या कौन सा कलर करना होगा, व्हाइट। नीचे कौन सा रहेगा, ग्रीन। बन जाएगा। अच्छा ये बीच में जो व्हाइट है इसको ज्यादा करना तब क्या करें, बताया आपको ना, ट्रांसपेरेंसी को और क्या कर लेंगे, पढ़ा ले। दिख रहा है सबको अंतर, दिख रहा है ना। यहाँ से ट्रांसपेरेंसी कम या ज्यादा कर रहे हैं तो जैसे आपको करना है वैसे आप क्या कर सकते हैं बना। कोई दिक्कत इसमें हो जाएगा। तो अभी तक हमने आपको जो बताया है यहां से लेकर के यहां तक ये सारा हो जाएगा ना। शेप फिल या आउटलाइन या स्टाइल शेप का प्री रोटेशन करे जाएंगे सभी लोग ना। क्या हुआ, क्या कह रहे हो। अब जैसे आपको रोटेट कराना है सेलेक्ट करिए और यहां से चेंज कर लीजिए, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें। और उसका सब फाइंड रिप्लेस और सेलेक्ट। फाइंड का मतलब क्या होता है, फाइंड का मतलब क्या होगा, ढूंढना। और रिप्लेस का मतलब क्या होगा, रिप्लेस का मतलब कि एक कैरेक्टर को हटा कोई दूसरा कैरेक्टर रख, हो जाएगा ना। और रिप्लेस के बाद से सेलेक्ट, सेलेक्ट आल। यदि आप कोई टेक्स्ट लिखे हैं और पूरे टेक्स्ट को यदि आपको सेलेक्ट करना है तो सिंपल आप क्या कर लेंगे यहाँ से सेलेक्ट, क्या सारा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें। तो होम टैब में कोई ऐसा ऑप्शन जो अभी तक समझ में नहीं आया हो जाएगा। पैराग्राफ, ड्राइविंग और एडिटिंग, इसमें सारा ऑप्शन हो जाएगा ना। आप लोग पहले पढ़े तो पढ़ चुके हैं, सिर्फ हमने आपको रिपीट करा था, हो जाएगा ना। तो अब यदि आप इंसर्ट टैब में आएंगे तो इंसर्ट टैब में पहले आपको क्या दिखाई देगा, न्यू स्लाइड। तो क्या न्यू स्लाइड लेना हमने आपको यहाँ से बताया है, दिख रहा है सबको ना। और न्यू स्लाइड के बाद आपको दिखाई देगा टेबल। क्या आप लोगों ने टेबल लेना पड़ा है ना, जितना टेबल लेना उतना टेबल ले सकते हैं। टेबल लेने के बाद आपको जो भी टाइपिंग करना है इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, टाइपिंग कर, इतना तो पता है ना। अब इस टेबल के पास जब आएंगे इंसर्ट टैब में तो आपको दिखाई देगा किसका, पिक्चर। तो पिक्चर इंसर्ट कराने के लिए ये पता है सबको ना, ऑनलाइन पिक्चर लेने के लिए ये भी पता है, और उसके बाद से स्क्रीनशॉट लेने के लिए ये भी पता है ना, स्क्रीनशॉट वाला। स्क्रीनशॉट क्या है, जैसे हम ये कहें कि आपको इसमें कुछ इमेज लेकर के आना, आ रहा समझे ना। अब इमेज लेके आने के साथ साथ आपको क्या करना पड़ रहा है, ब्राउजर पे जाना पड़ रहा है, यहाँ सर्च कर ले रहे हैं फ्लावर इमेज।
फ्लावर इमेज सर्च करने के बाद से आपको एक एक इमेज सेव करके लेके आना पड़ेगा। पहले सेव करेंगे, फिर क्या करेंगे आप, पावर पॉइंट पे आएंगे। आने के बाद हम क्या करेंगे, चलिए इसको हटा देते हैं फिलहाल। पावर पॉइंट में आने के बाद कहाँ जाएंगे, इंसर्ट पिक्चर, तब तो आएगा ना। लेकिन यदि एक एक ही हमको लेकर के आना है, इसको बैकग्राउंड हम क्या कर लेंगे, ओपन पावर पॉइंट ओपन करेंगे, फिर कहाँ चले जाएंगे, स्क्रीन शॉट, और यहाँ से क्या ले लेना है, स्क्रीन क्लिपिंग। कौन सा इमेज चाहिए आपको, ये बस ये पहले ना यहाँ से सेलेक्ट करिए, और सेलेक्ट करके ऐसे क्या कर लीजिए, क्या एक इमेज आया है। अब आपको बार बार लाने की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं पड़ेगा ना। हम चले गए फिर कहाँ पर, इंसर्ट स्क्रीनशॉट स्क्रीन क्लिपिंग, और यहाँ से हम दूसरा इमेज, आ गया इस पर। अभी कितना ही मिला है हम लोग, फिर कहाँ चले जाएंगे, इंसर्ट स्क्रीनशॉट स्क्रीन क्लिप, फिर जो जो इमेज चाहिए उसको क्या कर लेना है, क्रॉप कर। अच्छा अभी एक बात बताइए आप लोग, यदि हम इस स्क्रीनशॉट का प्रयोग ना करें तो हमको कहाँ से लाना पड़ेगा, आपको पता है, या तो ऑनलाइन लाएंगे, या तो पहले हम इसको सेव करेंगे, सेव इमेजेस, लोकेशन दे देंगे डेस्कटॉप, डेस्कटॉप जहां भी देना हो वहां लोकेशन देंगे और सेव करेंगे। सेव करने वास्ते हम यहाँ पर आएंगे, फिर कहाँ जाएंगे, इंसर्ट पिक्चर, फिर जहाँ लोकेशन दिए रहेंगे वो लोकेशन सेलेक्ट करेंगे। लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इमेज को सेलेक्ट करेंगे, और इमेज सेलेक्ट करने वास्ते हम क्या करेंगे, यहाँ से कर लेंगे इंसर्ट, तब तो आएगा ना। लेकिन इसके लिए आसान तरीका क्या है, इंसर्ट स्क्रीनशॉट स्क्रीन क्लिपिंग, और हम यहाँ से क्या कर लिए, क्रॉप आ गया यहाँ पर। कोई दिक्कत इसमें, इंसर्ट टैब यहाँ तक हो जाएगा ना, हो जाएगा। आज आप लोग को एक इंटरेस्टिंग चीज बता दे रहे हैं, बाकी कल आप लोग बताएंगे फोटो एल्बम बना। फोटो एल्बम जैसे आप लोग वीडियो बनाते हैं ना फोटो का, एक फोटो ड्रा करके दूसरा फोटो आता है अलग अलग स्टाइल में, वो हम लोग कल जानेंगे। लेकिन फिलहाल आप लोग को एक इंटरेस्टिंग चीज ये बता रहे हैं कि जैसे आप लोग फोटो देखे होंगे ना, जैसे पहले आता था इसमें तो बहुत कम आता है, और जो शंकर भगवान का फोटो होगा तो उनके पीछे होगा चक्र जैसा, क्या होता रहता है, घूमता रहता क्या। हाँ अब वैसे यदि आपके पास कोई फोटो है, जैसे हम शिवलिंग ले लेते हैं, ऑनलाइन सर्च कर लिया यहाँ पे, इसी में ऐड कर दे रहे हैं पीएनजी। पीएनजी ऐड करने से क्या होगा, बिना बैकग्राउंड का है, कैसे आएगा बिना बैकग्राउंड, कौन सा इमेज होगा, कोई इमेज ही ले लेना इसमें से। एक इमेज आपको दिखाई दे रहा है ना, अब इस इमेज के पीछे हम ये चाहते हैं कि कुछ हमारा स्टार जैसा और वो घूमता हुआ नजर आ रहा, समझे ना कैसे, तो ऐसे इमेज इंसर्ट हो जाएगा सबसे ना। इमेज इंसर्ट कराने के बाद आपको कहाँ जाना है, इंसर्ट या होम टैब से ही आप ले सकते हैं, सेव, और आप यहाँ से ले लीजिए कौन सा, 30, ये 32 वाला ही ले लीजिए, और इसे क्या कर लेंगे, ट्रैक। तो क्या अभी आपको बड़ा बड़ा सा दिखाई दे रहा है ना, तो येलो पॉइंट आप इसको क्या कर लेंगे, अंदर हो जाएगा। और अभी हमने आपको यहाँ अरेंज बताया, सेंड टू बैक कर पीछे चला गया है ना, जितना बड़ा करना चाहते हैं यदि आप, तो बड़ा भी कर सकते हैं यहाँ से। हो जाएगा, और बड़ा करने से आपको रोटेट कराना होगा ना, क्या करना होगा, तो रोटेट कराने के लिए आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करिए, और सेलेक्ट करने में से आपको दिखाई देगा एनिमेशन टैब, कौन सा टैब, एनिमेशन टैब, और एनिमेशन टैब में जाने के से आपको दिखाई देगा यहाँ पे क्या, स्पीड। अच्छा भी ऐसे कुछ रोटेट हो रहा है ना, राउंड में रोटेट नहीं, इसलिए क्योंकि जो हम शेप लिए हैं ना, शेप को हमने शिफ्ट के साथ ड्रा नहीं किया,
हम इसको शिफ्ट सा ड्रा कर लें ताकि बिल्कुल सीधा है। सिर्फ साथ और चपटा आ रहा है ना जी, कंट्रोल साथ कर लेते हैं बिल्कुल सीधा। और इसके पॉइंट को हम क्या कर लेंगे, अंदर के अंदर तरफ करने से। अब कलर तो कर ही सकते हैं, जो कलर लेना हो सेप का हो जाएगा जी। फिर कहाँ भेजना है इसको, बैक। और बैक करने से आपको किस में जाना है, एनिमेशन। और यहाँ से आपको क्या लेना है, स्क्रीन। अभी वही हाल है। हाँ अच्छा क्या लेना यहाँ से, स्क्रीन। और स्क्रीन लेने के बाद से आपको इसका ड्यूरेशन टाइम थोड़ा सा कम कर ले, ज्यादा कर लेना। जैसे हम यहाँ पे कर लिए कितना, 20, क्या कर लिए 20। और जो ऑन क्लिक है ना, इसको हटा क्या कर लेंगे, विथ प्रीवियस, बस ये 5 बटन दबा दीजिए। दिख रहा है आपको, बन जाएगा। एक और बता दें, सर जी, चलिए ऐसे फोटो इंसर्ट हो जाएगा ना। फोटो इंसर्ट कराने के बाद से आपको कहाँ जाना होगा, यहाँ से क्या लेना होगा, सेव। सेव आपको क्या कर लेना है, ड्रा कर ले। सेव ड्रा करने के बाद से आपको क्या करना होगा, इसके येलो वाले पॉइंट को क्या कर लेंगे, अंदर अंदर की तरफ करने के बाद से आपको क्या करना है, इसको भेज देना है कहां पर, अरेंज में जाके सेंड, ऊपर पीछे चला जाएगा। और पीछे लेके जाने के बाद कलर तो आप कर ही लेंगे ना अपने हिसाब से, कलर कर लीजिएगा जो भी कलर आपको करना होगा। अब आपके ऊपर है, ग्रेडियंट कलर भी कर सकते हैं। ग्रेडियंट कलर कैसे को पता है ना। फिर आपको कहाँ जाना होगा, एनिमेशन। और एनिमेशन में आपको क्या लेना है, यहाँ से स्पिन। स्पिन लेने के बाद आपको क्या कर लेना है, सेलेक्ट करना इसको। और स्पिन सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने से ऑन क्लिक बटा क्या रखना है, विथ प्रीवियस। और यहाँ से अगर जो टाइमिंग और देखिए एक कर दे रहे हैं ना, ये बिल्कुल फास्ट रोटेट दिख रहा है। लेकिन यदि इसी का टाइमिंग हम कर दे कितना, कुछ ज्यादा कर दे, 20 या 30, जो भी आपको करना है कर दे। अब यह 5 बटन दबा दीजिए, दिख रहा है चलता क्या। रहेगा। हाँ ऐसे चलता रहे, दिख रहा है ना। जब तक आप स्केप से वापस नहीं आएंगे तब तक ये क्या होता रहेगा, रोटेट होता हो जाएगा ना। तो बना लेंगे सभी लोग क्या, स्केप करेंगे तो रुकेगा नहीं, स्केप समाज क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाए। तो आज आप लोग इतना करके ट्राई कर लीजिएगा, और कल आप लोग को बताएंगे हम फोटो एल्बम बनाने के लिए। फोटो एल्बम क्या, जैसे आप लोग देखते हैं ना, एक इमेज बगल से आता है तो फिर दूसरा ऊपर से है या नीचे से, ऐसे जहां से भी आपको लाना है वैसे ला सकते हैं। कहाँ से, फोटो एल्बम। और फोटो एल्बम के साथ साथ हम आपको बताएंगे इसी को वीडियो में कन्वर्ट करने, हो जाएगा ना। तो आज आप लोग इतना ट्राई करिएगा।